सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इंट्रो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा पीओवी में वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा क्विक बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट वाले वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था। होप सो आपने पसंद किया वो वाला वीडियो। तो आज का वीडियो मैं डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको एक नया पैकिंग मेथड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विच इज़ कॉल्ड द सक्शन कप पैक मेथड। अब इसका नाम मैंने सक्शन कप क्यों रखा, बिकॉज आपको तो पता है मैंने ऑलरेडी दो पैक्स लॉन्च किए हैं, विच इज़ अ फ्लफ पैक एंड एन एडवांस फ्लफ पैक। तो ये जो फ्लफ पैक के वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, जो है कि फ्लफ पैक और एडवांस फ्लफ पैक, ये मोस्टली टेक्निकली देखा जाए तो ये थोड़ा नो ज़्यादा प्रोवोस सेंट्रिक, तो इसके बारे में देखा जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रोवोस सेंट्रिक है। तो जो प्रोवोस्ट यूज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर काम करता है, क्लाउड वाले के लिए भी काम करता है, बट क्लाउड वाले के लिए एग्जैक्टली मैंने कोई पैक अभी तक नहीं बताया। जस्ट मैं बताता था कि एक ग्राम ऊपर डाल दो, थोड़ा सा टच करवा दो क्लाउड को, वो सब बताता था, बट एग्जैक्ट एक पैक कुछ अभी तक वीडियो लॉन्च नहीं किया था इसके बारे में। तो मैंने वही सोचा कि मैंने आपको, तो आई थिंक सो आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम हो कबस्टैन को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको पता ही लग गया होगा कि मैंने सक्शन कैप काफ़ी बार यूज़ किया है, बट YouTube के लिए वीडियो नहीं बनाया और आप लोगों को भी नहीं बताया है कि कैसे आप सक्शन पैक कर सकते हैं और क्या है उसके बेनिफिट्स। तो सक्शन कप पैक वाला जो वीडियो है उसका नाम सक्शन कप क्यों पड़ा है, बिकॉज वो दिखता, जब आप उसको भर दोगे तो वो थोड़ा कप टाइप दिखता है और उसमें एयर सक्शन के पॉकेट्स बने होंगे। तो ये वाला जो वीडियो है सक्शन कप पैक, ये ओनली क्लाउड, अगर आप ऐसा कोई लोटस या आप कह सकते हैं कि HMD यूज़ कर सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है आपका ज़ेपेलिन हो सकता है, नगरानी हो सकता है, या आपका हो सकता है क्लाउड लोटस 1 या ओडमन इग्निस, या वैसे ही दिखने वाले नकली असली जो है, जैसे भी आपके पास HMD हो, नॉट लाइक प्रोवोस्ट, बट ऐसे दिखने वाले जो क्लाउड टाइप वीडियोस, क्लाउड टाइप जो आपके HMDs होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छे से काम करेगा। मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में कि कैसे मैंने सोचा है इस सक्शन कप पैक के बारे में, और कैसे इसमें एयर फ्लो बढ़ता है, और जनरली एक कंसर्न होता है जो क्लाउड यूज़ करते हैं कि क्या होता है उनका जो नीचे का जो लेयर है वो ठीक से जलता नहीं है। नीचे का तो लेयर नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो टॉप का लेयर ही जलता है और बीच का कुछ भी नहीं जलता, सब अधजला हो जाता है। बट विल कम टू नो दैट क्लाउड में भी ऐसा हम कर सकते हैं। अगर आपने जर्मन वीडियोज़ देखिए केविसल के, ये लोग क्या करते हैं, टॉप लेयर ही जलाते हैं, बट अंदर का जो टोबैको वे अनयूटिलाइज्ड रहता है, और बेसिकली फिर वो, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग राइट, कि अगर आपने ऊपर का ही लेयर जला दिया, बस वही पक्के, बस वही वहीं पे हुका सेशन खत्म हो जाता है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। हमारे यहाँ पे हुका बस का वही कहना है, और जितने भी लोग हुका बस को देखते हैं उन जानते हैं कि हुका बस बिलीव्स इन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लेवर, और हम आज वही करने वाले वीडियो में आपको सक्शन कप पैक के बारे में दिखाऊंगा कैसे उसको करते हैं, कैसे वो कारगर है ऐसे HMDs को अगर आप पकड़े तो। और चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके मैं आपको मिक्सिंग बताता हूँ कि मैं आज मिक्स करने वाला हूँ चीज़ अफजल का वनीला एंड सुपारी। ये आई थिंक सो मैं लूँगा 60-40 रेशियो में लूँगा मैं सुपारी एंड वनीला। तो चलिए मेजरिंग स्केल लेता हूँ, आपको मैं मेजरमेंट बताता हूँ कि आई एम यूजिंग माई जला फुला टूटा फूटा ओब्लाको मोनो मीडियम, और इसमें जनरली आप जब प्रोबोस में पैक करते हो तो अल्फाकर में लगता है 15 ग्राम्स के, आप अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम्स, अफजल लेते हो तो 16 ग्राम्स, या अगर थोड़ा डेंस करना चाहते हो तो 17 तक भी जा सकते हो। बट जब भी आप क्लाउड यूज़ करते हो जनरली आपको पता होगा कि मैंने रेकमेंड किया अपने फॉलोअर्स को थोड़ा 1 ग्राम बढ़ा लीजिए, बट वो कैसे करना है उसको पैक वो अभी तक बताएंगे, चलिए आगे वीडियो में वही मिक्स करते हैं। स्केल हो गया ऑन, तो चलिए फिर मैं वनीला सुपारी बनाता हूँ, ये वाला फ्लेवर विद अफजल वनीला एंड TSB सुपारी। ये वाला जो बोल है ओब्लाको मोनो मीडियम, इसमें करीबन अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से अगर आपका जैसे 16 ग्राम्स प्रोबोस में यूज़ करते हो तो 1 ग्राम थोड़ा बढ़ा दो तो वो क्लाउड के लिए हो जाता है रेडी। तो हम लोग इसमें अराउंड 17 ग्राम्स के आसपास फ्लेवर लेंगे, देखते हैं 17-18 ग्राम्स। तो यहाँ पे हम लोग 60% के हिसाब से थोड़ा अंदाज में, अभी मैथ्स करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ 12 ग्राम ले लेता हूँ, और 11 ग्राम लेता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा वनीला हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मिक्स है वनीला एंड सुपारी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घर में। और थोड़ा सा हम लोग 6 ग्राम के आसपास TSB सुपारी ले लेते हैं, 15 हो गया एंड दिस इज लाइक 17, और 17 के थोड़ा लास्ट तक ही जाते हैं,
चलेगा, चलो 18 का जो स्टार्टिंग है मतलब 17 का लास्ट, तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। टीएसबी में इतनी कुछ, ये वाले पैकेट में इतनी कुछ बड़ी पत्ती लग नहीं रही थी, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू चॉप दिस फ्लेवर, थोड़ा छोड़ छोड़ लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो सक्शन का पैक होता है वो एडवांस फ्लफ पैक का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, तो हम लोग वही करने वाले हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखा है फ्लफ पैक और एडवांस फ्लफ पैक, तो आई हाईली रिकमेंड गो वॉच दैट वीडियो, तो आपको अच्छे से समझेगा एडवांस फ्लफ पैक का क्या एडवांटेजेस है। इस वीडियो में मैं वो नहीं बताने वाला, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, विच इज़ नॉट द मोटिव ऑफ दिस वीडियो बेसिकली। तो मैं क्या कम करूँगा, अभी मैं इसको खुला खुला हल्के से इसको फ्लफ पैक कर लेता हूँ, बाद में हम इसमें एडवांस फ्लफ पैक करेंगे। जल्दी 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 तो ये देखिए, ये मैंने कर दिया है आधा पौना फ्लफ पैक, बिकॉज वी डोंट नीड टू फिनिश इट, तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर अभी नहीं करना है इसमें, बिकॉज वी वॉन्ट टू पुट इट बैक इन द आपका जो स्केल है उसमें मैं वापस डालूंगा और उसको फ्लफ करके इसमें एडवांस फ्लफ पैक करूंगा। अच्छे से थोड़ा सा इसको फ्लफ कर लेते हैं वापस, बिकॉज क्लाउड में अगर यूज़ कर रहे हो तो फ्लफीनेस होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्लाउड कैसा करता है, इट इज़ नॉट लाइक प्रोबोस्ट और या फिर फॉइल की डायरेक्ट हीट देता है, वो थोड़ा प्लेट के साथ डिपेंडेंट रहता है हीट ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें अच्छे से फ्लफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस सक्शन का पैक को अचीव कर पाएंगे। तो हम अभी इसको वापस पैक कर लेंगे। अब इसको बहुत ही हल्के हाथ से हमें देना है, और थोड़ा सा शायद ही आपको दिख रहा होगा, बहुत ही हल्के हाथ से मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा लगे फूला हुआ। ऑलरेडी अफजल का टोबैको है, सेकेंड टाइम इसे फ्लफ करने में वो फूल जाता है और बेसिकली टोबैको कर्व होने लगते हैं। रेकमेंड यू टू वॉच द एडवांस फ्लफ पैक वीडियो, तभी आपको ये वाला वीडियो समझेगा अच्छे से कि मैं कैसे पैक कर रहा हूँ। वो वाला वीडियो देख लीजिए एक बार जाके, ऊपर में आई बटन ऐसा कुछ होता है यूट्यूब पे, वहाँ पे ऐसे यहाँ पे होगा कहीं पे, देखिए। अब मैं इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, सिंस एडवांस फ्लफ पैक हैज़ बीन डन, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लूँगा ऐसे ऐसे करके अच्छे से, केयरफुली, प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं मेरा बहुत अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एडवांस फ्लफ पैक स्टाइल में हो गया है, और इसे मैं अपना इसमें अभी मैं फिनिशिंग टच नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न है बिकॉज हमें इसे अभी सक्शन पैक में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो डेफिनेटली क्लाउड के बेस में तो या फिर अब क्लाउड लोटस के बेस में तो डेफिनेटली टच हो ही जाएगा, बट हमें ऐसे नहीं पीना है, ऐसे भी आप बना सकते हो क्लाउड, बट द मोर इफेक्टिव वे इज सक्शन कप पैक। तो अभी हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ साइड से। तो अभी क्या करना है आपको, ये वाला जो ऐसा टाइप का पोकर खरीद लीजिए अगर नहीं है तो, पोकर कम ये फोर्क होता है तो बहुत कन्वीनियंट होता है ये। तो आपको क्या करना है, ये जो रिम के आसपास के टोबैको को सेटल करना है। कैसे सेटल करना है, ऐसे इसको आपको क्लियर आउट करके एक कर्वेचर देना है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ कुछ जगह थोड़ा बहुत खाली है तो उसको ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। ठीक है, अब करना है द मेन थिंग विच इज क्रिएटिंग द सक्शन, क्रिएटिंग द एयर। ये क्यों होता है, तो ये मेरे पास ये अपना ओरिजिनल क्लाउड लोटस 1 है, हाँ देख सकते हैं घिस घिस के ये है ब्लू कलर का या फिर नेवी ब्लू कलर का, जो भी कलर का है, नीचे निकल गया है घिस घिस के और निकल नहीं पा रहा हूँ मैं इसे। तो बेसिकली द इंटेंशन इज कि ये जो गैप्स है यहाँ पे, ये गैप्स, यहाँ से आपके दो टाइप ऑफ हीट हो, जैसे मैंने आई थिंक सो कुछ एक वीडियो पहले टबू के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हाउ हीट मैनेजमेंट वर्क्स बेसिकली इज दैट, सॉरी जेपलिन में किया था मैंने एक्सप्लेन, कि जब आपका जो क्लाउड जैसे डिवाइसेस होते हैं, जैसे जेपलिन हो गया, नगरानी वगरानी जो भी हो गया, वो यहाँ से इस प्लेट को भी हीट करते हैं और यहाँ से भी कोल का हीट जाता है, तो टू वे हीटिंग सिस्टम होता है। तो अगर यहाँ पे मेरा फ्लेवर रहेगा, अगर बेसिकली यहाँ कोने में मेरा फ्लेवर बहुत ज़्यादा, जैसे अभी कोने में फ्लेवर ही फ्लेवर है, अगर ये रहेगा तो क्या होगा, हीट ना ये फ्लेवर की जो निचला हिस्सा है, दिस इज अ कर्व बोल राइट,
ये फ्लेवर का जो निचला हिस्सा है वहाँ तक हीट अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा। एंड आवर इंटेंशन इज़ टू गेट बिगर क्लाउड्स, एंड बिगर क्लाउड्स तभी हो सकता है जब मैक्सिमम हीट और बेसिकली द रिक्वायर्ड हीट रीचेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लेवर विच इज़ देयर इन द बोल। जब भी जनरली आपका जो भी आपका जो बाउल होता है उसमें हीट क्यों नहीं आता, उसमें बेसिकली स्मोक नॉट हीट स्मोक आता क्यों नहीं, उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो मैक्सिमम फ्लेवर का एरिया कैप्चर नहीं कर रहा है, वो जाके मैक्सिमम फ्लेवर तक पहुंच ही नहीं रहा, इसलिए हीट कम आता है। बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग, यहाँ पे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन को हीट करोगे उतना ज़्यादा आपका स्मोक आएगा। आप टेक एन एग्जांपल ऑफ आप जो वेप पीते हैं, वेप तो प्योर ग्लिसरीन होता है, उसमें पूरा का पूरा ही ग्लिसरीन हीट होता है, इसलिए वेप में बहुत ज़्यादा स्मोक आता है। तो अभी हम काम करेंगे, इसको तो हमने अच्छे से सेंटराइज कर दिया है, ये आप साइड से पकड़ लीजिए, डोंट गिव अनड्यू प्रेशर, और यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ के आप ऐसे से करके पुश कर दीजिए, ऐसे से करके हल्का सा नीचे, तो ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है जैसे कि जगह हो जाए, इतना सोचना नहीं बट करते जाना है, थोड़ा नीचे हो जाए थोड़ा नीचे हो जाए। यहाँ से थोड़ा पुश करके इस जगह को थोड़ा और खाली करना है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सक्शन कप्स बन रहे हैं जहाँ से हीट को जाने का रास्ता बन रहा है। यू विल कम टू नो, सॉरी आई थिंक सो थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया था तो आप देख नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सक्शन एरिया और बेसिकली वे बना रहे हैं ताकि निचले वाला जो टोबैको है वहाँ तक हीट पहुँचे, जो जनरली आपके क्लाउड लोटस वाले में होता नहीं है, क्लाउड लोटस पैक्स में। तो अब देख पा रहे हैं ये काइंड ऑफ एक सक्शन बन गया है, थोड़ा सा रिम को साफ कर लिया जाए, जाने दो क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से गैप्स है हीट जाने के लिए, यहाँ से थोड़ा बहुत गैप्स है हीट जाने के लिए, पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं है। पहले क्या होता था, अगर हीट पड़े तो टोबैको वहीं पे जल के उसको रोक लेता था, अब टच हुआ तो ये जो होल्स है नीचे के निचले होल्स है इसमें से हीट ज़रूर पहुँचेगा वहाँ पे। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर भी है, बहुत ज़्यादा बाहर में रखना प्रेफर नहीं करता बिकॉज बॉल तक टच हो गया इनफ है। तो आप देख पाएंगे आप जब भी ऐसा रखेंगे तो आपको हल्का सा एक फील होगा कि हाँ आप कुछ तो दबा रहे हैं। तो चलिए फिर इसमें मैं 3 कोल रख देता हूँ और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, स्मोक करते हुए आपको बताता हूँ कि कैसे इसका हीट मैनेज हो रहा है, और आपको दिखेंगे बिग क्लाउड्स इन दिस, और फिर चलिए फिर स्मोक करके बताता हूँ और क्या। बहुत अच्छा फ्री फ्लो आ रहा है, बहुत अच्छा फ्री फ्लो आ रहा है। अगर आप नॉर्मल पैक करेंगे जैसे एडवांस क्लब पैक किया है, कुछ भी और भी, या फिर आप जैसे ठूस देते हो चम्मच से फोर्क से वैसा करते हो तो आप डिफरेंस देखोगे। इसमें ड्रॉ काफ़ी बढ़ गया है, तो ओपन ड्रॉ जिनको बहुत पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छा वाला पैक है ये। आपको ओपन ड्रॉ आता है, वैसे भी तो क्लाउड में ओपन ड्रॉ ही आता है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड ये सब ओपन कर सकते हैं प्रोबोस्ट में जब यूज़ करते हैं, बट क्लाउड में इतना है नहीं कि एक सर्टेन लेवल तक ही वो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो ओपन ड्रॉ ही और खुलता ही खुलता चला जाता है। और मैंने लेड भी लगाया नहीं है तो अच्छा खासा ओपन ड्रॉ आ रहा है। तो फ्लेवर प्रोफाइल की बात करूँ, फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वहाँ साइड से हीट जा रहा है और नीचे पेनिट्रेट करके नीचे के भी फ्लेवर्स को जला रहा है। सो दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस पैक कि आपके नीचे के फ्लेवर जनरली जलते नहीं है क्लाउड में, इसमें जलेगा 100% जब ये सेशन एंड हो जाएगा। ज्यादा हवा चिलम के नीचे तक पहुंचने की वजह से बहुत ज्यादा ओपन ड्रॉ भी आ रहा है, मुझे खींचना बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। पहले मैं जब नॉर्मल पैक करता था तो थोड़ा हल्का सा, अगर आप एक्सपर्ट हो हुक्का पीने में देन यू विल नोटिस द डिफरेंस बिटवीन दिस पैक एंड द नॉर्मल पैक यू डू जो चम्मच से आप करते हो। एडवांस फ्लब पैक में भी अच्छा खासा चल जाता है बट इसमें अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और एज आएगा आपके हुक्का टेक्निक और हुक्का स्किल में। फ्लॉलेस ड्रॉप, फ्लॉलेस स्मोक। तो चलिए फिर ये रहा मेरा सक्शन कप पैक का वीडियो, होप सो आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। ये वाला
पैक आप जरूर ट्राई कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में डीएम वीएम करके भी बताइए, या फिर मेरे पोस्ट पे कमेंट कीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए। तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हुक्का बस 10 को भी जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी तो मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डालता हूँ, आपको तो पता ही है। तो चलिए फिर, मैं तो अपना हुक्का सेशन बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ, और आप भी अपना हुक्का सेशन इंजॉय कीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।